दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम जानेंगे गूगल असिस्टेंट को, गूगल असिस्टेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी गूगल असिस्टेंट होता है। यह बेसिकली एक एक्सटेंशन है गूगल नाउ का। गूगल नाउ इससे पहले का वर्जन है। तो गूगल असिस्टेंट को और अच्छे से डेवलप करके बनाया गया है। अभी तक गूगल नाउ इंग्लिश कमांड्स पर ही काम करता था, लेकिन अब वह हिंदी में भी काम करने लगा है। यानी गूगल ने ना अभी जो हिंदी लैंग्वेज है उसके साथ और भी काफ़ी सारी जो भाषाएं हैं उनको उनके सॉफ्टवेयर में डेवलप किया है। गूगल असिस्टेंट की एग्जिस्टिंग कमांड है ओके गूगल या फिर हे गूगल। ये अगर हम अपने मोबाइल के सामने बोलेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन है ना, वो आपके मोबाइल पर आ जाएगी। इसके और भी तरीके हैं, वो आगे हम बताएंगे। इसकी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसका पहला वर्जन गूगल नाउ, जो सबसे पहले यूजर की ज़रूरत के हिसाब से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए कलेक्ट करता था, गूगल नाउ का ये लोगो है। एग्जाम्पल के लिए यूज़र को क्या पसंद है, वो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनकी जानकारी। तो ये एज AI की तरह ही है। तो वो डाटा गूगल नाउ कलेक्ट करके रखता था। यदि यूज़र ने कभी न कभी गूगल सर्च इंजन में कुछ सर्च किया है, यानी जो यूज़र है, यानी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपने जो भी गूगल पे अब तक सर्च किया है तो वो अपने डेटाबेस में सेव कर लेता था और उसी के हिसाब से वो आपको आउटपुट देता था, या सजेशन के अंदर वो आपको अपनी जो सर्च हिस्ट्री है उसके हिसाब से सजेस्ट करता था साइट के ऊपर। अभी गूगल ने गूगल नाउ बंद कर दिया है और उसके असिस्टेंट को अभी तक बंद नहीं किया, बल्कि उसे और स्मार्ट बना दिया है। जैसे कि ऑपरेट करने के लिए वाइड रेंज की वॉइस कंट्रोल का यूज़ होने लगा है। गूगल असिस्टेंट को खास तौर पर मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट होम डिवाइस में वाइड रेंज में वॉइस कमांड के साथ डिज़ाइन किया गया है। जैसे एप्पल के अंदर आपने देखा होगा एप्पल सीरी जो वॉइस कमांड से काम करता है, और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, ये दोनों के लोगो हैं। ये भी AI पे काम करने वाले असिस्टेंट हैं। गूगल वॉइस सर्च यानी गूगल असिस्टेंट का सबसे शुरुआती वर्जन था। यह 20 मई 2012 में रिलीज़ किया गया और गूगल असिस्टेंट हिंदी के साथ साथ 31 अन्य भाषाओं को भी सपोर्ट करता है। उसके अलावा आगे हम देखेंगे और कितनी भाषाओं को ये सपोर्ट करता है। इसी का एक वर्जन है गूगल ट्रांसलेटर, जिसमें आज के दिन 100 से ऊपर भाषाओं को गूगल ट्रांसलेटर कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं, ये छोटा सा वीडियो है, ये देखिएगा। ये इतनी भाषाएँ हैं जो गूगल से हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में करना है या किसी भी लैंग्वेज में करना है हमारे को, तो इतनी भाषाएं हैं। ये फीचर AI एल्गोरिथम पर काम करता है। ये फीचर रीड कर सकता है किसी वेब पेज के किस हिस्से को पढ़ना है, या इसके अलावा अगर उसे पेज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये यूज़र को इसके बारे में अपने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जानकारी भी दे देता है। गूगल असिस्टेंट टेक्स्ट और वॉइस दोनों को सपोर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा अपने मोबाइल में आप बोल के भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और बोल के उसको कमांड दे सकते हैं। साथ में यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है जिससे कि वह यूज़र के साथ ठीक से कन्वर्सेशन कर सके, और यूज़र की सभी ज़रूरतों का जिसे गूगल असिस्टेंट पूरा करता है। यानी हम गूगल असिस्टेंट से वॉइस कमांड दे के अपना जो भी काम है वो करवा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को म्यूजिक चलाना है उसमें मोबाइल में, तो मैं बोलता हूँ हे गूगल प्ले द म्यूजिक, तो वो जो म्यूजिक की ऐप है वो रन हो जाएगी। इस प्रकार ये गूगल असिस्टेंट काम करता है। और आप पूछोगे गूगल असिस्टेंट से तुम क्या काम कर सकते हो, तो ये इस प्रकार से जवाब देता है। देखो
आपने सुना ये वीडियो? इस प्रकार से ये असिस्टेंट काम करता है। इसको शुरुआत करने के लिए ओके गूगल या हे गूगल को बोल के आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, ये वॉइस कमांड, वॉइस सर्चिंग और वॉइस एक्टिवेटेड डिवाइस कंट्रोल के तौर पर यूज़र को बहुत ही अच्छा आउटपुट देता है या अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि बहुत सारे काम हैं, अपॉइंटमेंट चेक करना, मैसेज रीड करना, किसी सॉन्ग को ऑनलाइन प्ले करना या कॉल करना, कुछ भी, मतलब आप बोल के अपनी वॉइस कमांड दे के और गूगल असिस्टेंट से काम करवा सकते हो। गूगल असिस्टेंट आपको एक बोट सेंट्रिक एआई एक्सपीरियंस यानी चैटबोट प्रदान करता है। ये चैटबोट क्या है या आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर भी बताऊंगा, एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे चैटबोट के ऊपर, तो जब तक के लिए आप देखिए। इसी खास इसके लिए डिज़ाइन किया गया ताकि आपको एक कन्वर्सेशनल इंस्ट्रक्शंस प्रदान कर सके। गूगल असिस्टेंट क्या क्या कर सकता है? ये आपके डिवाइस को, स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकता है, आपके कैलेंडर, दूसरे पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, और उसके हिसाब से आपने जो रिमाइंडर सेट कर रखा है तो वो आपको रिमाइंड भी करवाता है। म्यूजिक को सर्च कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको प्ले कर सकता है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है, जैसे कि रूम बुकिंग करना, मैप में डायरेक्शन देना, वेदर, न्यूज़ एक्सेट्रा, कुछ भी, यानी ऑनलाइन जो सर्च करना है आप कुछ भी बोलिए किसी भी साइट के बारे में तो आपको उस साइट ओपन कर देगा। अपॉइंटमेंट बुक करना और मैसेज भेजना, फ़ोन के किसी भी एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करना, टाइमर और रिमाइंडर रन कर सकता है, नोटिफिकेशन रीड करना, यानी आप वॉइस, अपनी वॉइस कमांड दे के और कुछ भी बोल सकते हो गूगल असिस्टेंट। क्या आपके फ़ोन में ये है? ये देखते हैं। आपको फ़ोन के सामने ना ओके गूगल बोलना होगा, ये थोड़ी स्पेलिंग एरर है, तो आप मैनुअली भी होम बटन को प्रेस करके होल्ड करके ये पता कर सकते हैं। आपको जो फ़ोन का जो सेंटर वाला होम बटन है उसको प्रेस करना है, होल्ड करना है, उसके बाद ओके गूगल बोल सकते हैं। और प्रेस होल्ड करके आप अपनी वॉइस कमांड में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि आपको वेदर की साइट जो है वो आपको सर्च करनी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, या आज का वेदर जानना है तो टू डेज वेदर ऐसे बोल सकते हो, तो आपको सर्च करके दिखा देगा। यहीं से गूगल असिस्टेंट ओपन होगा, इसके बाद आप कुछ भी बोलिए गूगल असिस्टेंट ज़रूर काम करता है। अगर उसको वॉइस समझ में नहीं आ रही है तो वो कुछ भी सर्च नहीं करेगा, उसके लिए आप क्लियर बोलें, कुछ भी बोलें। ये सब करने से पहले आपको इसका अच्छे से सेटअप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है गूगल असिस्टेंट आज के दिन किस किस डिवाइस में मौजूद है। एंड्रॉयड वेयर, जैसे आजकल स्मार्ट वॉच आने लगी है उसमें भी ये आ गया है। एंड्रॉयड टीवी में हेडफोन, ईयरबड्स, गूगल स्मार्ट डिस्प्ले, कार में भी अभी कुछ एक में आ गए, और आगे आने वाले टाइम में बहुत सी जगह ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। स्मार्ट होम डिवाइस एंड अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल में, लॉक्स में, आप बोल के और फैन को बंद कर सकते हो, वो मतलब सब चीज़ें हैं ना ये गूगल असिस्टेंट कर सकता है। इसके फीचर्स क्या हैं? चैटबॉट, ऑटोमेटिक बुकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक कॉल, और भी बहुत सारे हैं। आप अपने आप से भी सर्च कीजिए और दो चार गूगल असिस्टेंट के फीचर्स के बारे में कमेंट कीजिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले आप दो चार फीचर इसके खुद से सर्च करके और वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सकें और आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ सकें, आज के दिन क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।